भोजपुर और आरा के उम्मीदों का सेतु कोइलवर ब्रिज के ऊपर है। और ये वो वाला लेन है जिसका इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले ही हुआ था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। और इसके ठीक बगल में ये दूसरा वाला लेन, इसका डाउन स्ट्रीम का काम चल रहा है, जिसका निर्माण भी लगभग आखिरी चरण में है। 7 पिलर बचे हैं जिसका काम होना है। इधर से जब हम पिछली बार आए थे तो आधा ब्रिज से पीछे ही इसका काम हुआ था। इधर में आप वहाँ पर लॉन्चर इसकी खड़ी थी, और आज जब हम आए हैं उद्घाटन के लगभग 3 महीने बाद, तो ये लॉन्चर देखिए खिसक करके 7 पिलर का काम अभी बचा है। और ये इस पिलर के बीच में देख रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ लगा हुआ है, तो बड़ा रफ्तार में काम हो रहा है इसका। इससे पहले भी दिखाया था आपको कि ये पुल जब बना था तो किस तरह से लोग इसको देखने आते थे, आसपास के लोग। ये देखिए किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर को इसमें हैंग कर दिया गया है, टंगा हुआ है इसमें। और ये जब जुड़ जाता है तो इसी तरह का, जैसा इधर में देख रहे हैं, ऐसा एक ब्रिज का निर्माण कर देता है। 6 लेन का यह ब्रिज है, कोइलवर ब्रिज जो है 6 लेन का है। 3 लेन का यह ब्रिज है जिधर हम खड़े हैं, इधर में देख लीजिए 3 लेन का ब्रिज बनकर के तैयार है। और 3 लाइन इसका जो डाउन स्ट्रीम है, ये 3 लेन बनकर के जब तैयार हो जाएगा तो टोटल 6 लेन का ये ब्रिज हो जाएगा। और इसको बन जाने के बाद तो आप समझ ही लीजिए, 6 लेन अगर हो गया तो जाम निश्चितता नहीं लगेगा, जैसा कि जाम अभी इधर में देख रहे हैं आप कोइलवर पुराने वाले कोइलवर ब्रिज पर लगा हुआ है, उससे यहाँ के लोगों को निजात मिलेगा। सोन नदी अपने आप में इसलिए वैल्यूबल है कि इस क्षेत्र को, खासकर बिहार के आधे एरिया को यहाँ से बालू मिलता है। जो ये बालू आप देख रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर ये गिरा हुआ है, ये जो उच्चतम क्वालिटी का बालू सोन नदी से ही मिलता है। और जो लगभग बिहार के आधा आबादी में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसके लिए सैंड्स यानी बालू यहीं से जाता है, तो इसलिए इसका अलग वैल्यू है। जितने भी ट्रक आपको यहाँ दिखेगा उसमें लगभग 90% गाड़ियों पर सिर्फ बालू ही लदा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बालू का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा बालू यहीं से जाता है। ये जब 3 लेन का एक और पुल बनकर के तैयार होगा तो ऐसे में यहाँ जाम नहीं लगेगा, ये मैं पूर्णतः निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ, पूर्णतया कह सकता हूँ। तो आपके उम्मीदों का एक और सेतु बनकर के तैयार होने वाला अगले 3-4 महीने, यानी रखिए जून तक में या जुलाई में इसका इनॉग्रेशन हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन नहीं भी हो तो 2021 में यह पूरी तरह से बनकर के तैयार होगा, ये मैं पूर्णतया कह सकता हूँ। और इंद्रसेन जी आपके लिए बक्सर की तरफ जा रहे हैं, और इस एरिया में जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसका अपडेट हम दोनों लेकर के आएंगे और हम दोनों के चैनल पर आपको दिखेगा। इंद्रसेन जी हमारे पीछे हैं, ये देख रहे हैं आप, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देखते हैं वहाँ आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। वहीं यहाँ के अलावा हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो ये जो आईडी है इसके ज़रिए हमारे साथ वहाँ भी आप बने रह सकते हैं। धन्यवाद।